नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है फिर से ऑल इन वन चैनल में, और मैं हूं आपका होस्ट इंजन। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि GTA 3 किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है फ्री में, और किस तरह से आप उसे खेला जा सकता है। तो जी हां, ये बिल्कुल सच है, आप इसे एंड्रॉयड में खेला जा सकता है, और ये अगर आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड करना चाहते हो प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको कुछ चीज़ पैक करना होगा। तो उसको मैं इसी को बताऊँगा कि किस तरह से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ऐप्स इंस्टॉल करना है AC मार्केट, उसके बाद दूसरा ऐप्स होता है फिर जेड आर्चीवर। ये प्ले स्टोर में जेड आर्चीवर आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन AC मार्केट आपको शायद प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको AC मार्केट डाउनलोड करने के बाद में उसको सिंपली खोल लेना है। खोलने के बाद में आपको तो आपको प्ले स्टोर की तरह ही इसमें भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप या तो आप सर्च भी कर सकते हैं या तो आप इसमें, हालांकि मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा देर आपको वेट करना होगा। जैसे ही खोल जाता हूँ मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से। तो आपको सिंपली यहाँ गेम में टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको टॉप चार्ट में या में आपको बहुत सारा मिल जाएगा, जिस तरह से ये आपका देख सकते हैं GTA सैन एंड्रियास, ये भी मिल जाएगा आपको। तो आपको यहाँ में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं GTA 3, ये रॉकस्टार का ही है ये। तो आप यहाँ इंस्टॉल में क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको दो इसमें इंस्टॉल में आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको दो फाइल डाउनलोड होगा। दो फाइल में से आपको एक होगा APK फाइल और दूसरा होगा डाटा। तो मैं आपको, हालांकि मैंने इसे इंस्टॉल करके ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, और ये शायद आपको 600 MB कुछ का है ये। तो आप डाउनलोड करने के बाद क्या करना होगा, आपको सिंपली आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद में उसके बाद उसमें आपको चेक करना है। तो ये फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में चेक करना है। चेक करने के बाद में तो सबसे पहले अगर आपका इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले आपका रैम 2 GB से ऊपर होना ज़रूरी है, उसके बाद में आपका और रोम जो है ऑलमोस्ट 2 to 3 GB खाली होना ज़रूरी होता है। अगर इतना आपके पास खाली नहीं होगा तो आप इसे नहीं खेल पाएंगे। तो हालांकि मैंने इसे डाउनलोड करके मैंने एक फोल्डर में इसे डाल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने इस अदर फोल्डर में डाला हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ में आप एक APK फाइल है, ये GTA 3 का फाइल है, और ये है zip फाइल जो डाटा फाइल है। तो आपको पहले ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करना है, आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको सिंपली जाना है जेट आर्चीवर खोलना है। खोलने के बाद में जहाँ आपने जिस जिप फाइल को जहाँ रखा हुआ है अब उस फोल्डर में जाकर उसे खोलना है। तो मैंने जिंदर में रखा हुआ था तो ये अदर में मिल, तो आपको इसे खोलने के बाद में इसको व्यू करना है। व्यू करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ टैप करना है। टैप करने के बाद इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, बैक आना है। कॉपी में क्लिक करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ में आपको सबसे ऊपर में आपको ये एंड्रॉयड फोल्डर मिल जाएगा। एंड्रॉइड फोल्डर में जाने के बाद में फिर OBB फाइल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली इस जगह पर टैप करने के बाद यहाँ में पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद में आप जब इसको पेस्ट करके हो जाएगा तो आप उसको फिर बैक आना है। बैक आने के बाद में इसको सब बैक करने के बाद में आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाकर आपने जहाँ पर इस APK फाइल को इंस्टॉल किया हुआ था अब उसे फिर रखा हुआ था, तो आप इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में मैंने हालांकि इंस्टॉल करके रखा हुआ था, इंस्टॉल करने के बाद में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये सारा। तो उसके बाद में आपको बैक करना है। बैक करने के बाद में आपका ये फाइल, ये ऐप्स जो है इंस्टॉल हो चुका होगा। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ में GTA 3 है, और ये बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल ये एकदम 100% आप खेल सकते हैं इसे, इसमें बिल्कुल फेक नहीं। और ये ऐप्स आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, तो मैं अभी आपको खेल के भी दिखा दूंगा। और हाँ दोस्तों, मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है GTA 4 के ऊपर। हाँ ये GTA 4 भी रिलीज़ हो चुका है, ये
ये 2018 जनवरी में, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं GTA 4 का जो वीडियो बनाऊँगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचेगा। और बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। तो मैं आपको हल्का सा डेमो दिखा देता हूँ इस गेम को खेल कर। तो आप देख सकते हैं शुरू हो चुका है, रैम ओके, रोम ओके, तो ये चालू हो गया टैप। तो ये रॉकस्टार का ही है ये गेम, ये कोई फेक गेम नहीं है, ये आप आराम से अपना उसमें खेल सकते हैं। आपको ये खेलने के लिए कोई पीसी का ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल में आराम से एंड्रॉयड मोबाइल में खेल सकते हैं। हालांकि सिर्फ इतना है कि आपका रैम होना है 2GB से ऊपर, उसके बाद में आपका इंटरनल मेमोरी ऑलमोस्ट 3GB खाली होना है, तब आप आसानी से इसे खेल सकते हैं, नहीं तो आपको इसमें काफ़ी लैग होगा, तो खेलने में आपको तकलीफ होगा। तो मैं इसे खेल कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मैं रिज्यूम कर लेता हूँ, और ये बिल्कुल फेक नहीं। आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा इसके ऊपर में, जो GTA 5 है वो लोग बहुत सारा फेक वीडियो बनाते हैं, मैं इस तरह का वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं कुछ भी नया वीडियो बनाता हूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और मैं कल ही डालूंगा ये क्या बोलते GTA 4 के ऊपर मैं वीडियो बना के डालूंगा मैं, और लिंक सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे वहाँ से डाउनलोड करके आप खेल सकते हैं आसानी से। और मैं फिर इनफोकस विजन 3 के ऊपर मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, उसका गेमिंग रिव्यू बना रहा हूँ। तो अब मैं इसे खेल कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। But I'm an easy to teach you what's right from wrong. Say, say, hold on. Ease up the pressure. Slow down your wheels and stay up the spine, Patrick. आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से चल रहा है, और कोई लैग नहीं हो रहा, और काफ़ी बढ़िया ग्राफिक है इसमें, और आप ऑलमोस्ट पीसी का एक्सपीरियंस, पीएस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं इसमें, पीसी या पीएस गेमिंग का आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया गेम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे इस चैनल को यार दोस्तों, प्लीज़। जय हिंद, भारत माता की जय।